या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। गुलाम हुसैन है, इनका सवाल ये है क्या वहाबी की मस्जिद को मस्जिद कह सकते हैं, क्या उसकी मस्जिद भी मस्जिद ही के हुक्म में आएगी जो मस्जिद वहाबियों ने तामीर की है। असल में सवाल ऐसा है कि इसके जवाब में भी आप देखेंगे बहुत सारे नए लोग जो है ना, जो अभी अंडे से निकले हुए चूज़े हैं, जो गूगल या जब से जियो फ्री हुआ है, जब से वो लोग जो है ना इल्म दीन सीखने के लिए नेट के ऊपर आ गए, वो कमेंट के अंदर आएंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे कि इस तरीके का मस्जिद भी अल्लाह ताला का घर है और ऐसा है वैसा है, मस्जिद किसी की नहीं होती अल्लाह की होती है। हालांकि इस तरीके की बातें कुरान हदीस के ज़ाहिर तौर पर बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हैं, क्योंकि मस्जिद ज़र्रार का हुक्म भी जो है ना, जो ज़र्र देने वाली थी उसका हुक्म भी कुरान के अंदर मौजूद है कि एक मुनाफिक था हुज़ूर बाकी मुखालिफत करने वाला शख्स था, तो उस शख्स ने एक मस्जिद बनाई और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये लोग बार बार इल्तिजा भी करते थे कि आप इसमें नमाज़ पढ़ाएं, इसमें आप नमाज़ पढ़ाएं, एक मरतबा के नमाज़ पढ़ाएं, तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर को फ़रमाया कि आप इसके अंदर नमाज ना पढ़ाएं क्योंकि ये मुनाफिकीन लोग हैं। फिर उनकी अलामतें बयान की कि ये मस्जिद मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाई गई है, मतलब ये वो ये कहते थे कि आप इसमें एक मरतबा नमाज़ पढ़ाएं तो लोगों को आसानी होगी, लोग नमाज़ पढ़ेंगे, बाकी सहाबा भी इसमें नमाज़ पढ़ लिया करेंगे, लेकिन हुज़ूर ने उसमें नमाज़ नहीं पढ़ी। बाद में उसकी स्टोरी आप पूरी जो है ना कुरान पाक के अंदर पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ सकते तो मिसाल के तौर पे आप करीबी इलाके की मस्जिद में जाएं, वहाँ इमाम साहब से पूछें या जो आपके उस्ताद हैं मदरसे वगैरह में उनसे पूछें कि एक दफ़ा मस्जिद ज़र्रार का वाक़या आप हमें बताएं कि जो थी मस्जिद वो क्या उसका मामला था उसमें आग लगाने वाला, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हर मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर नहीं होती और हर मस्जिद जो है ना अल्लाह के घर के हुक्म में दाखिल भी नहीं होती। लिहाजा अगर नबी पाक वहाँ नमाज़ पढ़ाते तो एक अलग बात थी, लेकिन आपने वह नमाज़ नहीं पढ़ाई। इस एतबार से जो है ना, अगर कोई भी ऐसी मस्जिद है कि जहाँ पर सही अकीदा सुन्नी मुसलमान ने आज तक नमाज़ पढ़ाई ही नहीं, मिसाल के तौर पे किसी ने नई मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने के बाद जब तक वहाँ सुन्नी आलिम ने नमाज़ पढ़ाई ही नहीं है अब तक, तो फिर वो मस्जिद के हुक्म में नहीं होगी। लिहाजा ये जो आपने सवाल पूछा है कि वहाबियों की मस्जिद मस्जिद है, यही चीज़ है, क्या वो शुरू से उन लोगों के कब्ज़े में रही है या फिर बाद में उन लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया है। जैसा कि फ़िलहाल मौजूदा दौर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के अंदर ही ताज़ा मिसालें हैं बाकी के, जिनके अंदर पहले अहले सुन्नत के सुन्नी हनफी बरेलवी इमाम हुआ करते थे, बाद में नमाजियों की तादाद घटी या कमेटी वाले जो है ना देवबंदी बने धीरे धीरे, और इस तरीके से मस्जिद जो है ना देवबंदी इमामत के कब्ज़े में चले गए। ऐसी बहुत सारी मस्जिदें होती हैं, तो सेम ऐसा ही होता है कि अगर ये मस्जिद जिसके बारे में आप मालूम करना चाहते हैं कि पहले सही अकीदा इमाम व नमाज़ पढ़ाते थे और वो मस्जिद थी, तब तो वो मस्जिद ही रहेगी, फिर उसमें बाद में बदमज़हब आ जाए तो एक अलग बात है, फिर तो वो मस्जिद है, आप उसमें अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, इमाम के पीछे ना पढ़ें। और अगर ऐसी है कि वो मस्जिद तामीर ही वहाबियों ने की है और उसमें आज तक कोई सुन्नी इमाम नहीं आया, तो फिर वो एक बिल्डिंग के हुक्म में, फिर वो कोई मस्जिद शरीयत के एतबार से नहीं है। लोग उसको मस्जिद समझे तो वो उनकी अपनी राय है, लेकिन शरीयत लोगों की राय से इत्तेफाक नहीं करती कि वो अपने दिलो दिमाग में क्या सोचते हैं, कि अगर कोई नक्शा मस्जिद की तरह बना हो तो वो मस्जिद करार पाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से वो मस्जिद नहीं है, क्योंकि ऐसी मुनाफिकों ने भी मस्जिद बनाई थी जिसके अंदर मस्जिद का हुक्म में नहीं थी, बल्कि उसको बाद में डिस्ट्रॉयड करा दिया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म से। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ मस्जिद बना देने से और ये कहने से कि अल्लाह का घर नहीं हो जाता, देखा जाएगा कि मतलब लोगों के अकीदे क्या हैं। बहुत सारे अकायद से जो है ऐसे कुफ्रिया होते हैं लोग कि वो डामाडोल तरीके के होते हैं, जब सुन्नियों में मिक्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम भी सुन्नी हैं और इस तरीके के हैं, जब दूसरे लोगों में जाते हैं तो वो उनसे मिक्सअप होकर उनके साथ बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी ही तरह हैं, यानी इनकी मिसाल उन लोगों की तरह जो कुरान पाक के अंदर फरमाया कि जब अपने शैतानों से मिलते हैं तो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों से मिलते हैं तो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से मस्जिद का मैंने बता दिया कि पहले से अगर बनी हुई है, इमामत हुई है, तब मस्जिद है, बाद में बनाई है तो फिर वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है। हाँ, अब ये रहा कि मस्जिद में अपनी नमाज़ पढ़ना, कि जब वो मस्जिद नहीं है ज़ाहिर है तो फिर तो आप अपने घर पर आके भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपने घर पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्मे दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं
बंदों का शुमारा जाएगा।